नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी का चर्चा क्यों? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चर्चा केंद्र में है सीएम योगी आदित्यनाथ। एजेंडा अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर केंद्रित था। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से सिर्फ एक सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कार्यकारिणी की बैठक में फिजिकली मौजूद रहे। उन्होंने पहली बार राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया। अब बीजेपी के इस कदम से कई नई चर्चा को तूल मिल रही है। पहली चर्चा है योगी आदित्यनाथ के बीजेपी के भीतर बढ़ते कद की और दूसरी चर्चा है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की। वैसे दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े भी हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी में योगी का कद बड़ा है और उनके नेतृत्व में पार्टी अस्वस्थ है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ओर इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के कदम पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदर्शन के आधार पर ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा है कि हमें उनका चयन क्यों नहीं करना चाहिए था। वो देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य की सरकार चला रहे हैं। सभी को कोविड के दौरान उनके शानदार कार्यों की जानकारी है। वो चाहे प्रस्तावित मजदूर की बात हो या फिर गांव में रोजगार सृजन करने की, वो वरिष्ठ सांसद रह चुके हैं। हमें उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने को क्यों नहीं कहना चाहिए? हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। दबे स्वर में बीजेपी के भीतर भी इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके पीछे कई वजह भी हैं। बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने भी लखनऊ दौरे पर कहा था कि मोदी को पीएम बनाने के लिए योगी को सीएम बनाना जरूरी है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।